हेलो नीट यूजी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जेके एकेडमिया। और नाउ टुडे वी विल डिस्कस एन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट रिलीज्ड बाय एमसीसी। दैट्स द काउंसलिंग शेड्यूल्स हैज बीन रिलीज्ड थ्रू द एमसीसी। तो एमसीसी ने आपका जो है काउंसलिंग शेड्यूल रिलीज़ कर दिया है काफ़ी समय के बाद, काफ़ी लंबी फाइट के बाद। जो है कुछ एलिगेशंस लगे कुछ एग्ज़ाम्स के ऊपर, रीनीट्स की जो है पैरामीटर्स आए, लेकिन यहाँ पर जो टेंटेटिव शेड्यूल्स हैं एमसीसी ने काउंसलिंग का जो है रिलीज़ कर दिया है। आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि आप सभी अच्छे से पूरा वीडियो देखकर समझ लीजिए कि कैसे कैसे आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, कैसे आपको काउंसलिंग को जो है सिलेक्ट करके अपनी सीट अलॉट करनी है। तो स्टार्टिंग में देखिए, ऑल इंडिया 15% डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया एम्स इंस्टीट्यूट्स जिपमर पौंडीचेरी एंड जो आपका क्राइकल है वहाँ के लिए यहाँ पर टेंटेटिव शेड्यूल्स हमारा नीट यूजी एमबीबीएस बीडीएस बीएससी नर्सिंग 2024 के लिए आ चुका है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स बाय द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स एंड एमसीसी 14 अगस्त 2024। यानी कि यहाँ पर एमसीसी जो है वेरिफिकेशन कर लेगा कि कितनी टेंटेटिव सीट्स हैं उसके पास राउंड वन के लिए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन आपके ओपन हो जाएंगे 14 अगस्त टू 20 अगस्त। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान रखना कि 20 अगस्त तक 12 बजे तक आप जो है ये कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट फैसिलिटी ध्यान रखें सभी बच्चे, पेमेंट फैसिलिटी विल बी अप टू 3 PM तक पेमेंट कर सकते हो आप 20 अगस्त को। यानी कि नाइट वाला कोई भी आप जो है ये मत सोचना कि जो है 20 अगस्त है तो उसके रात 12 बजे तक आपका फ़ीस सबमिट होगा। ऑलरेडी दे दिया गया है कि 3 PM तक आप फीस सबमिट कर सकते हो। 16 अगस्त चॉइस फिलिंग लॉकिंग यानी कि आपको लॉक करना है 16 अगस्त तक से 20 अगस्त के बीच। और यहाँ ध्यान रखना सभी, यहाँ पर टाइम दिया गया है आपको 20 अगस्त रात 11:55 तक आप अपनी सीट लॉक कर सकते हो, सीट फिल कर सकते हो। चॉइस लॉकिंग विल बी अवेलेबल फ्रॉम 4 PM ऑफ 20 अगस्त अप टू 11:55। यानी कि आप ध्यान देना 11:55 रात 20 अगस्त तक आप अपनी चॉइस फिलिंग और लॉकिंग कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट आपका 21 से 22 अगस्त तक रहेगा। तो ये सभी ध्यान दें, राउंड वन काउंसलिंग है। रिजल्ट आपका 23 अगस्त 2024 को बन जाएगा। इसमें रिपोर्ट ज्वाइनिंग आपको जो है 24 अगस्त से 29 अगस्त तक करना है। जो भी आपको रिजल्ट के अकॉर्डिंग कॉलेज अलॉट होगा वहाँ पर आपको 24 अगस्त से 29 अगस्त तक रिपोर्ट करना है। उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ जॉइंट कैंडिडेट्स डेटा बाय इंस्टीट्यूट शेयरिंग बाय डेटा ऑफ एमसीसी आपका 30 अगस्त को जो है और 31 अगस्त को वेरिफिकेशन किया जाएगा आपका इंस्टीट्यूट के थ्रू। तो ये हमारा राउंड वन का जो है एक तरह से शेड्यूल था। राउंड वन में इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखना 20 अगस्त या आपका रजिस्ट्रेशन पेमेंट का याद रखना 20 अगस्त तक 12 नून तक आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है और 3 बजे तक आपको फ़ीस पे कर देना है। फिर आपको 16 अगस्त से 20 अगस्त यानी कि आप याद रखना कि 20 अगस्त को रात 12 बजे से पहले यानी कि 11:55 से पहले आपको अपनी चॉइस फिलिंग कर देनी है। तो राउंड वन का शेड्यूल आपका पॉइंट याद रखें कि 14 अगस्त से चलकर और 30 से 31 अगस्त के बीच फिनिश हो जाएगा। तो ये राउंड वन है हमारा। ठीक है, तो ये सभी डेज आपको जो है इसमें लगने वाले हैं पेमेंट के लिए, चॉइस फिलिंग के लिए। ये सब आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन, रिपोर्टिंग टाइम, वेरिफिकेशन, ये सारे इसमें आपके डेज रहने वाले हैं। उसके बाद आता है सेकेंड काउंसलिंग यानी कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग चलेगी। तो वेरिफिकेशन करेगा एक तरह से, ठीक है, टेंटेटिव सीट्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा इंस्टीट्यूट में जो सीट बची होंगी 4 सितंबर से 5 सितंबर के बीच। रजिस्ट्रेशन पेमेंट सेकंड राउंड के लिए 5 सितंबर से 10 सितंबर वही दिया गया है कि 12 बजे तक दोपहर के और जो आपका 10 सितंबर के 3 PM तक आप जो है अपना पेमेंट कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग लॉकिंग आपकी 6 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के 11:55 तक रहेगी। प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट आपको 11 और 12 सितंबर तक मिल जाएगा। रिजल्ट आपका 13 सितंबर को रिलीज होगा सीट अलॉटमेंट का। आपका जो रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग टाइम रहेगा सेकंड राउंड वालों के लिए वो 14 सितंबर टू 20 सितंबर आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा इंस्टीट्यूट में जो भी आपको अलॉटमेंट होकर इंस्टीट्यूट मिलेंगे। उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ जॉइंट कैंडिडेट डेटा बाय इंस्टीट्यूट शेयरिंग ऑफ डेटा बाय एमसीसी यानी कि जो भी डेटा एमसीसी प्रोवाइड करेगा तो उसका वेरिफिकेशन आपका इंस्टीट्यूट करेगा। तो यहाँ पर आपके 21 सितंबर से 22 सितंबर के बीच ये वेरिफिकेशन रहेगा। तो देखिए किस तरह से प्रोग्राम है आपके, इंस्टीट्यूट की सीट चेक की जाएगी विद इन 2 डेज़।
रजिस्ट्रेशन पेमेंट के लिए आपको 6 डेज मिलेंगे, चॉइस फिलिंग के लिए आपको 5 डेज मिलेंगे, प्रोसेसिंग सीट अलॉटमेंट में 2 डेज लगेंगे, रिजल्ट में 1 डे, रिपोर्ट ज्वाइनिंग में आपका 7 डेज, और साथ ही साथ आपका जो वेरिफिकेशन इंस्टीट्यूट होगा वो 2 डेज के अंदर फिनिश हो जाएगा। इसके बाद आते हैं राउंड 3 की काउंसलिंग। राउंड 3 में देखिए क्या होगा, वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट्स 25 सितंबर टू 26 सितंबर, राउंड 3 का पेमेंट 26 सितंबर से 2 अक्टूबर, वही टाइमिंग रहेगा आपका 12 नून एंड 3 PM। तो 2 अक्टूबर आपका थर्ड राउंड का काउंसलिंग रहेगा, चॉइस फिलिंग आपकी 27 से 2 अक्टूबर रहेगी, प्रोसेसिंग सीट अलॉटमेंट 3 अक्टूबर से 4 अक्टूबर रहेगा, रिजल्ट आपका 5 अक्टूबर तक थर्ड राउंड का आ जाएगा, रिपोर्टिंग आपकी 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक रहेगी, वेरिफिकेशन ऑफ जॉइंट कैंडिडेट्स डेटा बाय इंस्टीट्यूट्स 13 टू 15 अक्टूबर तक रहेगा। लास्ट में आपको एक जो बताया जाता है, आप सभी को शायद पता भी होगा, ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड निकलता है राउंड 3 के बाद। तो यानी कि जिस कैंडिडेट का कहीं भी नाम नहीं आ रहा है राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब जिसका फर्स्ट में आ गया वो सेकंड, फर्स्ट में आ गया तो सेकंड में ट्राई क्यों करेगा, सेकंड में नहीं आया थर्ड में नहीं आया, तो फिर ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स बाय द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स OTP के थ्रू लिंक्ड होता है ये। तो ये आपका 16 अक्टूबर को खुलने वाला है। इसमें क्या होता है कि जो भी यूनिवर्सिटी कॉलेज राउंड आपके एक तरह से काउंसलिंग में, यानी कि उनको सीटें नहीं मिल पाती, उनको कैंडिडेट नहीं मिल पाते, तो उनके MBBS की सीट को, BDS की सीट को भरने के लिए एक राउंड निकाला जाता है, ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड। इसका रजिस्ट्रेशन पेमेंट 16 अक्टूबर टू 20 अक्टूबर तक रहेगा, टाइमिंग इसका भी वही है 12 PM तक, यानी कि 3 PM तक आप इसको कर सकते हो। तो 20 अक्टूबर आपका ऑनलाइन स्ट्रे राउंड, मतलब एक तरह से खाली हुई सीटों को लास्ट में भरने के लिए ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है। चॉइस फिलिंग इसकी 20 अक्टूबर तक रहेगी, रात 11:55 तक चॉइस फिलिंग भी इसका 20 अक्टूबर तक 11:55 PM तक रहेगा, प्रोसेसिंग सीट अलॉटमेंट 21-22 तक सीट अलॉटमेंट हो जाएंगी, रिजल्ट आपका 23 अक्टूबर को रिलीज होगा, रिपोर्टिंग आपकी 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक रहेगी। वेरिफिकेशन का इसमें इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो आपका ऑनलाइन स्ट्रे राउंड होता है, इसमें अगर आपने, आपको सीट अलॉट हो गई और आपने रजिस्ट्रेशन पेमेंट जो भी किया है मतलब, तो वो आपको रिफंड भी नहीं मिलेगा एक तरह से, यानी कि इसमें आपको एक अमाउंट पे करना होता है ऑनलाइन स्टे राउंड के लिए, 50,000-40,000 के आसपास एक अमाउंट होगा आपका, तो वो आपको पे करना है। उस अमाउंट को पे करने के बाद अगर आपने ज्वाइनिंग नहीं करते हो वहाँ पे, तो अमाउंट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये ऑनलाइन स्टे राउंड है, जो हमारी 3 काउंसलिंग होगी उसके बाद में ऑनलाइन स्टे राउंड होगा, तो जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहेगा इसमें अप्लाई कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे NEET UG काउंसलिंग शेड्यूल 2024। तो वीडियो आपको समझ आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे बायोलॉजी के और भी सारे कंसेप्ट हम अपने यूट्यूब चैनल्स पर लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जल्दी ही आपको जब हमारे काउंसलिंग 1 का रिजल्ट रिलीज होगा तब आपको हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।